हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी नाश्ता। तो नाश्ता हमारा है बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा, टेस्टी है एकदम, ब्रेकफास्ट है इस पे। इसको चाय के साथ बनाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए। तो हमारा नाश्ता जो है टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थी भी है। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, इसको हम 10 मिनट के अंदर बना के रेडी करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमें गैस पर रखना है एक पैन, और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले लीजिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े से जीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ। सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है इस नाश्ते में। अब इसको हम एक बार चला देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, तो मैंने यहाँ पर 2 ही मिर्च ली है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज। इसे भी हम डाल के थोड़ा सा इसको भुनेंगे। इसको हम क्या करेंगे ना, कवर करके इसको भुनेंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है। तो इसे मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया था। 1 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो गया है। तब इसे भी मैं एक बार चला दूंगी इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ऐड करना है कुछ सब्जी है। तो मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च और आधे गाजर को इस तरह से छोटे छोटे चॉप कर लिए थे। अब इसे भी हम डाल देंगे इसमें और इसको हमें पकाना है। तो इसे पकते हुए 1 मिनट हो गया था। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसे फिर हम कवर करके 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट बाद हम जो है लीड को फिर से हटाएंगे। फिर इसको हम अच्छी तरह से चला के यहाँ पे हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसाले तो नहीं, बस थोड़े से ही हम कुछ यहाँ पे डालेंगे। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब डाल देंगे चाट मसाला, और एकदम ज़रा सा डालेंगे यहाँ पे हल्दी। अब इसे भी हम डाल के मिक्स कर देंगे, और इसे हम बिना कवर किए हुए इसको हमें थोड़ा सा पकाना है, ताकि इसमें के जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, एकदम मतलब ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी एकदम ड्राई हो गई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, थोड़ी सी हरी धनिया ले लेंगे और उसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। हरी धनिया डाल के भी इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसे रख देना है ठंडा करने के लिए। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया मिक्सर जार, उसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी भुजिया नमकीन। तो हम इस नाश्ता को जो है भुजिया नमकीन से बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप तीखी वाली या सादी वाली भुजिया नमकीन कोई भी ले लीजिए, मैंने सादी वाली भुजिया नमकीन ली है। अब इसे हमें क्या करना है, एकदम जो है दरदरा सा इस तरह से हमें इसका पाउडर बना लेना है, एकदम बारीक भी नहीं करना है। अब इसे हमें सब्जियों में डाल के इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। हम इसी से नाश्ते को बनाने वाले हैं, और नाश्ता हमारा सच में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमने इसे सब्जियों में डाल के भी अच्छी तरह से इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है। तो अब इसे रख देंगे साइड में। अब हमें यहाँ पर लेना है 1 बाउल, और उसमें हम ले लेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब आटा। ले लीजिए गेहूं का आटा, ले लीजिए मैदा, ले लीजिए कॉर्नफ्लोर, ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर बस इसको हमें कोटिंग के लिए बनाना है थोड़ा सा घोल। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जो है एक पतला सा घोल बना लेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हम घोल बना लेंगे, इससे हमें इसको कोटिंग करना है नाश्ते को। तो ये देखिए हमारा घोल भी यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। तब इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसमें हमें थोड़ा सा डाल देना है, 1/2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इसे भी हम डाल के मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा ना, नाश्ता देखने में हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा। जब खाना कोई भी हम बनाते हैं, जब देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तब ये भी हमारा बैटर भी बनके रेडी हो गया। तो अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब हमें यहाँ पे लगाना है आटा। तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी के करीब ले लीजिए आटा, और उसे हम जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि आटा को भी गूंथ लिया। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा लगाया है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी, मुझे कुछ रोटियाँ भी बनानी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा गूंथ लिया है। तो अभी हमने हमारा आटा भी यहाँ पे गूंथ के रेडी हो गया। तो अभी यहाँ पे एक बड़ी सी ले लेंगे लोई इस तरह से, जैसे 3-4 रोटियों का ले लेंगे लोई यहाँ पे, और उसे हम इस तरह से करके अब इसको हमें क्या करना है, स्लेब पे थोड़ा सा इस पर हम डाल देंगे सूखा आटा। फिर उसके बाद हम इसको एकदम बड़ी सी रोटी की तरह बेल के तैयार करेंगे। तो अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब हमारा जो भी नया वीडियो आएगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने रोटी को बेल के तैयार कर ली है। अब इस पर हमें लगाना है सॉस। आप इस पर जो है टमाटो केचप लगा सकते हैं, हरी धनिया लगा सकते हैं, पिज्जा सॉस लगाइए, मतलब सेजवान चटनी लगाइए, कुछ भी लगाइए।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी यहाँ पे चटनी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया पिज्जा सॉस। उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे फीलिंग्स, हमने जो तैयार करके रखे हैं मसाले ना, हमें इस पे जो है पूरी रोटी पे इस तरह से फैला देना है। तो मैं यहाँ पे इसको दो बार में बनाऊंगी, मैं दो रोटियों का बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आधा इस पे फैला दिया और आधा जो हमने फीलिंग्स बचा ली है। तो अब इस पे फैलाने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे ना, इसको मैं क्या करूँगी, आधे पे से इसको मैं चाकू से कट करूँगी। तो इस तरह से हमें कट कर देना है। अगर आप चाहो तो पूरी रोटी का जो है एक बार में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दो भाग करके बनाऊंगी। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इसको दबाते हुए हाथों से, और दूसरी साइड का भी उठाएंगे, उसको हम फोल्ड कर देंगे, और साइड के किनारे का उसे हमें काट के निकालना नहीं है, उसको भी हम मोड़ के इसी में दबा देंगे। तो नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब हमें इसे क्या करना है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है कुछ इस तरह से। अगर आप जो है तुरंत आटा गूंथ के बनाएंगे ना, तो हमारा नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। अगर बचे हुए आटे से बनाएंगे क्या होगा ना, उस आटे को जब हम बेलते हैं और उसमें जब हम फीलिंग्स भरते हैं ना, तो वो जो स्लेब पे चिपकने लगता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि तुरंत आटा गूंथ के ही बनाइए। तो इस तरह से हमने इसकी पीसेस कर ली है। अब इसे हमें क्या करना है, एक प्लेट पर उठा के रख लेना है, और बाकी की भी जितनी भी है नाश्ते बनाने के लिए आपको ना, तो एक बार में उसको पहले आप बना लीजिए, फिर सारे नाश्ते को हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमने सारी पीसेज उठा के प्लेट पे रख लिए। अब दूसरा वाला भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके बना लूँगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीके से। आप यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नमकीन भुजिया डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे होता है। बहुत लोग तो हमने देखा है जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका भी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे भुजिया नमकीन से जो है इस नाश्ते को बना के रेडी किया है। इसके हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पीसेस कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा पीस करना है। अब इसे हम ये जो साइड का किनारा अगर जिसका खुल जाता है ना, तो आप इसको हाथों से इस तरह से दबा के इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे नाश्ते जो है फ्राई होने के लिए रेडी है। तो मैंने एक तरफ क्या किया कि है ना, गैस पे हमने तेल भी रख दिया है, तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है और नाश्ता भी हमारा बन के रेडी हो गया। तो अब इसे हमें करना है फ्राई। तो चलिए अब इसे हम करते हैं फ्राई। अब हमें क्या करना है कि इस घोल को हम एक बार फिर से अच्छी तरह से घोल लेंगे इस तरह से। फिर इसमें हम डालेंगे एक एक करके सारे पीसेस, और फिर इसे हम चम्मच से या हाथ से इसको हमें तेल में डालना है। तो तेल हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हमें नाश्ते को इस तरह से हम एक एक पीस करके, आप चम्मच डालिए, मैं तो हाथ से ही ज़्यादातर डालती हूँ, क्योंकि हाथ से डालना बहुत ही आसान रहता है और फटाफट हो जाता है कोई भी काम। तो यहाँ पे मैंने इसको सारे पीसेज जितनी एक बार कढ़ाई में आएगी उतनी सारी पीसेज हम यहाँ पे डाल देंगे, और आँच को हम यहाँ पे कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। लो भी नहीं करना है, हाई भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी कढ़ाई में एक बार में आया है सारी पीसेज मैंने डाल दिया। अब इसे हमें क्या करना है ना कि इसको हम चला चला के इसको हम दोनों साइड से पलट पलट के एकदम गोल्डन ब्राउन तक, एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छा सा इसमें कलर आने लगा है इस तरह से। तो अब इसी तरह से हम इसको इसको फ्राई होने में 5 से 6 मिनट के करीब लग जाता है। और नाश्ता इतना टेस्टी बनेगा ना, जब आप खाएंगे ना, तो हमेशा चाय के साथ या कोई आपके घर गेस्ट आएगा ना, तो आप इसी नाश्ते को बनाना मतलब कि आसान समझेंगे, क्योंकि ये नाश्ता बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है बहुत कम सामान में। घर में जितनी जो मौजूद चीज़ें होती हैं, हम उसी से इस नाश्ते को बना के तैयार भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला बैच हो गया है फ्राई। तो अभी इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। पहले तो हमें एक छन्नी वाली बर्तन में निकाल के रख देना है, ताकि इसके स्ट्रॉयल निकल जाना है। तब इसे हम एक प्लेट पे इस तरह से सर्व कर लेंगे। तो आपको देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा कि नाश्ता हमारा कितना क्रिस्पी बना है और टेस्टी होने के साथ हेल्दी है, क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे में बना के रखा है। तो यहाँ पे मैंने सारे नाश्तों को खूब अच्छी तरह से कर लिया है फ्राई। नाश्ता हमारा बन के हो गया है रेडी। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी चटनी सॉस के साथ इसको सर्व करिए, चाय के साथ सर्व करिए, या तो फिर जो है ना इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, सबको पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको पास से भी देख लीजिए, नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, एक पीस मैं आपको एकदम पास से दिखाऊंगी। ये देखिए, हाँ देखने में लग रहा है ना एकदम यूनिक नाश्ता और एकदम टेस्टी टेस्टी नाश्ता। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें फीलिंग्स भी काफ़ी अच्छा भरा हुआ है और बहुत ही टेस्टी। खाने के बाद तो इतना टेस्टी लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को बनाइए और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करिए।
तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूले। हो सके तो आप इसे शेयर